हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये आप शॉल में डाल सकती हैं, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में और ब्लाउज में भी डाल सकती हैं। मैं आगे आप लोगों को इस डिज़ाइन पर ब्लाउज बताऊँगी। इसके पहले भी मैं इस डिज़ाइन पर एक ब्लाउज बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग ढंग से ब्लाउज आप लोगों को बताऊँगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए हम इसमें 20 फंदे डाल रखे हैं। ये छोटा सा रूप हम आप लोगों को डिज़ाइन का इसमें बनाकर बतला रहे हैं। तो 20 फंदे डालने के बाद में देखिए स्टार्ट करेंगे हम। पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा दो फंदों का, ये एक और एक, दो दो का एक करेंगे। अब चार फंदा हम प्लेन बुन लेंगे सीधा, एक दो तीन और ये चार। फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए एक फंदा हम बढ़ाएंगे। यहाँ जो हम फंदा कम किए वो इस जगह पर बढ़ गया। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए फिर हम फंदे को बढ़ाएंगे। फिर अब चार फंदा प्लेन सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार। अब हम तीन फंदों का एक करेंगे, तीन फंदा को एक साथ हम बुनेंगे। पहला उतार लेंगे, दूसरा भी उतार लेंगे और ये जो तीन में जो बीचों बीच में है इस फंदा को हम इस तरह से पकड़ लेंगे और इसे हम पहले सिलाई पर डालेंगे, फिर हम बीच वाला फंदा को आगे कर लेंगे सिलाई पर और तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये हो गया तीन का एक। अब यहाँ पर जो फंदा हम बढ़ाए थे, एक यहाँ बढ़ाएं जो इधर मेकअप किया, एक यहाँ बढ़ाएं वो एक यहाँ मेकअप किया। अब एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर हम कम किए हुए हैं, उसे हम इस तरफ बढ़ाएंगे। चार फंदा बुनेंगे, एक दो तीन चार और फिर एक जाली बनाते हुए हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये हो गया। अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। हर बार हमें उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनना है। सीधा सिलाई में हमें फिर वही प्रक्रिया चालू करना है जो हम पिछले सीधा सिलाई में हम जो कर चुके हैं, फंदे को बढ़ाना और घटाना, उसी चीज़ को फिर यहाँ हम करेंगे। यह हमें बार बार रिपीट करना है। पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा दो का एक करेंगे, चार बुनेंगे, एक दो तीन चार। अब ये बीच का चोटी चला रहा है। फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए एक फंदा बढ़ाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे फिर जाली बनाते हुए फंदे को बढ़ाएंगे। फिर चार फंदा बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर तीन फंदों का एक करेंगे। बीच का फंदा हमें आगे की ओर लाना है। इसके बाद तीनों को एक साथ गिरा देंगे, तीन का एक कर लिए, चार बुनेंगे, एक दो तीन चार, एक फंदा बढ़ाते हुए जाली बनाते हुए बढ़ा दिए एक फंदा। अब उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से आप इसे दो कलर में, तीन कलर में बना सकती हैं या सिर्फ़ एक कलर में भी बना सकती हैं। ये हम आपको दो कलर पर दिखला रहे हैं। आप ये तय कर लें कि आपको कितनी दूरी पर दूसरा कलर देना है। जैसे कि हम इस जगह पर चार जाली के बाद दूसरा कलर जोड़े हुए हैं।
जैसे किसे हम जाली बनाए बताएंगे, देखिए एक जाली दो जाली तो तीन चार, चार जाली जब यहाँ पूरा हो जाएगा तब हम फिर दूसरे कलर को जोड़ लेंगे, जोड़कर दूसरा कलर से भी चार जाली बनाएंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन ये बनकर तैयार होगा। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसे आप कितना दूरी देना चाहती हैं। आप इसमें चाहें तो यहाँ चार के जगह में छः फंदे भी डाल सकती हैं। इस स्थान पर जो जितना फंदा इधर डालेंगी उतना ही इधर आपको डालना पड़ेगा। हम इसमें आपको चार फंदे पर बताएं, ये छः फंदों पर बना हुआ है, इसकी चौड़ाई छः फंदे पर है और हम आपको ब्लाउज में जो बतलाएंगे वो चार फंदे पर बतलाएंगे, इसलिए हम इसमें चार फंदों का ही यहाँ पर हम आप लोगों को बताए हैं। तो इस तरह से अब ये चार जाली आप बना लें। चार जाली बनाने के बाद में ये चार जाली होना चाहिए, यहाँ एक दो तीन चार, चार जाली बना लेने के बाद में कलर चेंज कर ले। कलर चेंज करके फिर आप इसे दूसरे कलर से बीन सकती हैं। जैसे कि ये मैं छोटा सा रूप आप लोगों को बताई हूँ, सिर्फ ये एक भाग और ये, यानी कि ये चीज़ एक बताए हैं और एक ये बताए हैं। तो अब देखिए ये चार यहाँ बनकर जाली तैयार हो गया है, एक दो तीन चार, चार जाली बनकर तैयार हो जाने के बाद में आप ऊन दूसरी कलर का सीधे तरफ से लगाएं और सेम उसी तरीके से भी ने एक फंदा उतार लेंगे, दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार, फंदे को अपनी ओर करें, एक जाली बनाते हुए फंदा बढ़ाएं, फिर फंदे को अपनी ओर करें, एक जाली बनाते हुए फंदा बढ़ाएं, चार प्लेन बुने, फिर तीन का एक करें, फिर चार प्लेन बुने सीधा, फंदे को अपनी ओर करके एक जाली बनाते हुए फंदे को बढ़ा दें। इस तरह से आपका यहाँ ये ऊन दूसरे कलर का ऊन जुट गया। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुने, इस तरह से अलग कलर का जो हम इस वक्त अलग कलर डाले हुए हैं उसे भी हम चार जाली उसका भी बना लेंगे। इसके बाद फिर हम इस कलर को फिर ऊपर की ओर लगाएंगे। इस तरह से ये कलर चेंज होकर आपका बनना शुरू हो गया। इस तरह से ये डिजाइन बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।